हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस प्रोग्राम में हम आपको प्रदेश के स्कूलों में चल रही हलचल भी दिखाते हैं और खेल खेल में ढेर सारी ज्ञान की बातें भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मस्ती भरी बातों के साथ हमारा ये खास प्रोग्राम स्कूल टाइम। एजुकेशन को लेकर क्या हुआ प्रदेश में नया और क्या रहा खास, खबरें फटाफट में देखिए। कुछ ऐसी खबरें जिनका सरोकार है आपसे। हनुमानगढ़ में फेफाना कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने कस्बे के कई सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई की। इस दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने कविताएं और प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत की। राजधानी के एमए पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव रविंद्र मंच पर मनाया गया। वार्षिकोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने कार्यक्रम में स्केटिंग डांस, हॉरर डांस, ड्रामा सहित बॉलीवुड गानों पर प्रस्तुति दी। जिनकी अतिथियों ने सराहना की और बच्चों को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्राइज देकर प्रोत्साहित किया। नागौर के मेड़ता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर अतिथियों ने स्वयं सेवकों को अनामांकित और ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही गंभीर रोग से ग्रसित छात्रों को चयन करके अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भी प्रेरित किया। जालौर जिले के चितलवाना कस्बे में जिला स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संत भागीरदास शास्त्री के मौजूदगी में हुए समारोह में 335 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शिक्षा संस्कार पर जोर डालते हुए अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखने का आह्वान किया। साथ ही हर वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने की बात भी कही। भरतपुर में सहयोग नगर स्थित कृष्णा टॉकीज में उमापति उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया।
जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों की चुलबुली प्रस्तुतियां कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र भी रही। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। नागौर जिले के मुंडवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया अभियान के तहत विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और गर्म कपड़े वितरित किए गए। अभियान के तहत विद्यालय की कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री और गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस दौरान अतिथियों ने बच्चों को अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कही और जीवन में शिक्षा का महत्व बताया। इस मौके पर नगरपालिका के वार्ड मेंबर, विद्यालय स्टाफ सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जयपुर के सिटी पैलेस स्थित महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के नवीन गैलरी में आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन सीरीज की शुरुआत हुई। इस सीरीज की प्रथम एग्जीबिशन महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल द्वारा लगाई गई। 3 दिवसीय इस एग्जीबिशन का उद्घाटन पूर्व राज परिवार के सदस्य गौरवी कुमारी ने किया। इन एग्जीबिशन का उद्देश्य स्कूल के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। एग्जीबिशन में विद्यार्थियों और शिक्षकों का लाइव वर्क शामिल किया गया। जयपुर के दि पैलेस स्कूल, सेंट एनमन स्कूल, महारानी गायत्री देवी स्कूल, सुबोध स्कूल, शांति एशियाटिक स्कूल और जेपीएच स्कूल की ओर से भी आर्ट गैलरी में स्टूडेंट्स के आर्ट वर्क प्रदर्शित किए गए। I have grown up doing art and craft and I really enjoyed it. And it's so like I'm so like awestruck looking at all of these paintings and crafts because from where I started, this has come a really long way and there are like all new kinds of techniques and new like activities they've started. So I feel really good that it's developing and I was also a student and yeah in the school. So I've grown up learning all of these. विनर्स एकेडमी की ओर से रविंद्र मंच पर 10वां एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के नन्हे मुन्हे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर बच्चे फिल्मी गीतों पर भी थिरके और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया।